हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम क्लास टू इंग्लिश इंग्लिश की जो हमने पोएम आगे लर्न की थी ना, उसकी एक्सरसाइज राइट करने वाले हैं। सो टेक योर नोटबुक, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। ये चार चीज़ें लेके आप सब बैठ जाओ, ठीक है? और ये भी टेक्स्ट बुक्स अभी भी किसी ने परचेस नहीं की है तो बाजार से आप ले आ सकते हैं। बाजार में अभी आ गई है। ओके, नाउ आई ओपन द बुक। फर्स्ट डे एट स्कूल वाला हमने पोएम लर्न किया था। फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ, ठीक है? नाउ आई रिवाइज अगेन। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर। ये जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो सोचता है कि जो मैं क्लासरूम में ड्राइंग बनाऊंगा वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी। ये जो बच्चा है वो उसका फर्स्ट डे है स्कूल में, तो यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है, स्कूल बैग है, वाटर बैग है ना। तो वो अभी स्कूल जाता है तो उसको दिमाग में ऐसे भी विचार आते हैं कि मैं जो स्कूल जाऊंगा तो टीचर मुझे ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए देगी, तो वो दूसरे जो मैं ड्राइंग ड्रॉ करूंगा वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी, ऐसा वो सोच रहा है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार आते होंगे कि मैं स्कूल जाऊंगा, अगर तो जाऊंगा तो ये होगा वो होगा, आते हैं ना। अभी तो आप घर पे हो, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगी तब आपके मन में ऐसे विचार तो आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे। आगे, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। स्टेयर्स का मतलब, स्टेट्स मीनिंग, स्टेयर मीन्स हाँ घूरना, किसी को एक ही नजर से हम घूरते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टेयर्स। तो ये बच्चा सोचता है कि बाकी सारे स्टूडेंट क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते ही रहेंगे, ठीक है? आगे, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लुक लाइक मॉम एंड ग्रैंड। जो मैं स्कूल जाऊंगा फर्स्ट डे पे तो जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मॉम जैसी, मॉमी मतलब मम्मी, वो मेरी मम्मी जैसी दिखती होगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखती होगी। नेक्स्ट, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। ये जो उसका पेट है पप्पी, कुत्ते का बच्चा, ये बच्चे ने उसे घर पे पाला हुआ है, तो ये लड़का सोचता है कि जो मेरा पप्पी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ चला गया हूँ, क्योंकि वो अभी तक घर पे ही था। तो वो जब भी स्कूल जाएगा तो ये पप्पी उसका सोचेगा कि वो मेरा ये लड़का है वो कहाँ गया है। ओके, तो हम आज इसके क्वेश्चन आंसर राइट करने वाले हैं। तो अभी भी जिसने ने भी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर नहीं लिया है वो अभी लेके बैठेगा मेरे साथ साथ, और मैं जो क्वेश्चन राइट करूँगी मेरे साथ साथ ही राइट करेगा। ओके, जब भी स्कूल खुलेगी तब मैं ये नोटबुक चेक करने वाली हूँ। ये नोटबुक के मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड होने वाले हैं। सो टेक योर पेंसिल एंड नोटबुक। मैंने हेडिंग राइट कर लिया है, आप भी हेडिंग राइट कर लो। लेसन वन, क्वेश्चन एंड आंसर।
लेसन वन क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ आई राइट क्वेश्चन नंबर वन। राइट एवरी वन क्वेश्चन नंबर वन। वॉट WHAT वॉट डस द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग। What does the child in the poem think about his drawing? ये जो poem हमने आगे learn की उसमें वो बच्चा अपनी drawing के बारे में क्या सोचता है? तो हम पिछले video में हमने पूरी poem write की थी ना, तो जो first में ही वो first वाला निकालो। I wonder if my drawing will be as good as there. आता है ना? तो ये बच्चा ऐसा सोचता है कि उसकी drawing के बारे में कि जो मैं drawing करूँगा वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी? Okay? So I write answer. Again I repeat question. What does the child in the poem, think about his drawing? Answer. The child wonders if his drawing 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 will be as good as the other children. I repeat answer. The child wonders if his drawing will be as good as the other children. ये जो बच्चा सोचता है कि wonders यानी सोचना कि जो उसकी drawing होगी वो other children दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी? Will be as good as the other children, दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। What does the child in the poem think about his drawing? ये जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है इस पोएम में? आंसर। The child wonders if his drawing will be as good as the other children. ये जो बच्चा सोचता है कि जो वो जो ड्राइंग करेगा वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी? ओके, राइट डाउन। आपकी नोटबुक में तो लाइन होगी लेकिन मेरी नोटबुक में नहीं है, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। आपको सिर्फ पेंसिल से ही राइट करना है, पेन का यूज करना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन नंबर, एवरीवन राइट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट WHAT व्हाट डस द
चाइल्ड। वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? इस पोयम में ये बच्चा है वो अपनी टीचर के बारे में क्या सोचता है? द चिल्ड्रन वंडर अबाउट हिज टीचर। वॉट डज द चाइल्ड वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? ये जो बच्चा है वो अपनी टीचर के बारे में क्या सोचता है स्कूल जाते हुए? अगेन आई रिपीट, वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? ये जो बच्चा है वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है? तो हमने आगे पोएम में सीखा ना कि वो टीचर के बारे में क्या सोचता है, कि जो वो मेरी टीचर होगी वो मेरी मॉम जैसी दिखती होगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखती होगी। आता है ना? हाँ, देखो थर्ड नंबर में, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम एंड ग्रैन। आया ना? हमने अगले आगे के वीडियो में पूरी पोएम राइट की है, और जिसने भी अभी भी पोएम राइट नहीं की है वो पहले पोएम राइट करेगा, फिर ये क्वेश्चन आंसर राइट करेगा, और जो आगे न्यू वर्ड्स लिखे हैं वो भी राइट करने हैं आपको 3-3 टाइम्स। आगे के वीडियो में अभी भी जिसने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क कर लेगा, फिर ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं आपको। ओके, अगेन आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? ये जो बच्चा है वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है? आंसर राइट विथ मी, मेरे साथ साथ लिखो आप भी, तो आपको जल्दी दिमाग में आ जाएगा। आंसर 2, द चाइल्ड वंडर्स इफ हीज टीचर विल लुक लाइक मॉम, मतलब मम्मी, और ग्रैन, ग्रैन का मतलब दादी माँ, जो हमारे पापा की मम्मी होते हैं ना उसे क्या कहते हैं हम? दादी माँ कहते हैं ना, तो यहाँ पे दादी का मतलब ग्रैन है। इंग्लिश में ग्रैन का मीनिंग दादी होता है। ओके, तो आंसर क्या आता है? द चाइल्ड वंडर्स, ये बच्चा सोचता है कि इफ हिज चिल्ड्रन, इफ हिज टीचर, जो उसकी टीचर होगी विल लुक लाइक मॉम एंड ग्रैन, क्या वो उसकी मम्मी जैसे दिखती होगी कि उसकी दादी जैसी दिखती होगी? अगेन आई क्वेश्चन रिपीट, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। ओके, जो बच्चे की टीचर होगी वो उसके दिमाग में ऐसे भी तरह तरह के विचार आते हैं कि जो मैं स्कूल जाता होगा तो ये होगा कि वही होगा, और टीचर ऐसे होंगे जो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, वो जो मेरे कलीग्स होंगे क्लासमेट वो मुझे मेरे साथ बात करेंगे। कि आपके भी मन में भी ऐसे विचार आते हैं ना, फर्स्ट डे स्कूल जाते हो तो आते हैं ना।
अब आएंगे जब जब स्कूल खुलेगी तब, नए नए टीचर आपको मिलेंगे तब, आएंगे कि नहीं, यस और नो? यस, वेरी गुड। सो एवरीवन राइट क्वेश्चन आंसर नंबर टू। द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। बच्चा सोचता है कि जो उसकी टीचर होगी वो उसकी मॉम जैसी दिखती होगी कि उसकी दादी जैसी दिखती होगी। ओके नाउ आई राइट क्वेश्चन नंबर थ्री। एवरीवन राइट क्वेश्चन नंबर वन आंसर वन, क्वेश्चन नंबर टू आंसर टू, यस और नो? यस, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, एवरीवन राइट क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, द सॉरी, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या आप सोचते हैं कि जो जो ये बच्चा है उसको उसका जो पपी है उसकी कैरी मतलब उसकी देखभाल करना अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? यस और नो? यस। सो आंसर यस, द चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चे को उसका पप्पी बहुत अच्छा लगता होगा तो उसको उसकी कैरी उसकी देखभाल करना तो अच्छा ही लगता होगा, तो हमने यहाँ पे यस राइट किया। यस द चाइल्ड, डू यू थिंक, यस, फिर आप पीछे का यही वही का वही हमें राइट करना है। यस द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, आपको मेरे साथ साथ राइट करना है तो ही आपको पता चलेगा, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली स्लोली राइट करती हूँ क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ राइट करो, इसलिए क्योंकि इस अभी अपना ऑनलाइन ही स्टडी चल रहा है कोरोना की वजह से, बराबर ने? तो मैं अभी बोर्ड पे राइट कर नहीं सकती हूँ, तो मैं जो 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 भी नोटबुक में राइट करती हूँ आपको मेरे साथ साथ ही राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक, जो बच्चा है उसको अच्छा लगता होगा, वुड लाइक अच्छा लगता होगा क्या, टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल, वो उसका पपी है उसकी देखभाल करना स्कूल में अच्छा लगता होगा? आंसर यस,
द चाइल्ड वुड लाइक, यहां से हमें कट करना है यस, फिर जो पीछे का है वही का वही हमें राइट करना है यस। द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। एवरीवन राइट यस। द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। बस आज हमें ये 3 क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहले आप ये राइट तीनों क्वेश्चन आंसर राइट कर लो, फिर मैं आपको फिर से अगेन रिवाइज करके देती हूँ कि ये 3 क्वेश्चन में क्या क्या हमें पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट एवरीवन लुक एट ईयर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो जिसने भी अभी राइट नहीं किया है वो राइट करेगा। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। ये जो बच्चा है वो पोयम में अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है? आंसर, द चाइल्ड वंडर्स इफ, बोला, हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर चिल्ड्रन। सेकंड, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। वो बच्चा सोचता है कि जो उसकी टीचर होगी वो उसकी मॉम जैसी दिखती होगी या उस फिर उसकी दादी जैसी दिखती होगी। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या बच्चे को अच्छा लगेगा उसके पपी की देखभाल करना स्कूल में? यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। नाउ होमवर्क, एवरीवन राइट होमवर्क, राइट क्वेश्चन आंसर वन टाइम इन नोटबुक। आपको जो मैंने आज क्वेश्चन आंसर क्लास में राइट किए वो आपको वन टाइम होमवर्क में राइट करने हैं। गुड बाय।